हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है टेक सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कंपैरिजन लेके आया हूँ वन प्लस 8T वर्सेस वन प्लस 9R। दोस्तों, वन प्लस 9R जो है अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये दोनों फ़ोन को कंपेयर किया जाए, क्योंकि ये दोनों फ़ोन के प्राइसेस में मात्र 2000 का डिफरेंस है और नया जो फ़ोन लॉन्च हुआ है 9R वो सस्ता है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 8T। तो चलिए दोस्तों, बिना वेट के फटाफट से इस कंपेरिजन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ दोनों ही फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे वन प्लस 8T की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देखने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल और रियलिस्टिक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको पीछे में जो है अपर साइड में लेफ्ट साइड में 4 कैमरास देखने को मिलेंगे और ड्यूअल LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ वन प्लस का लोगो और 2 कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक्वामैरीन ग्रीन और लूनार सिल्वर। और अगर मैं बात करूँ वन प्लस 9R की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो सेटअप देखने को मिलता है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 9 प्रो। यहाँ पे 2 कैमरास आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये हेज़लब्लेड कैमरास नहीं है, मैं आपको बता दूँ। और साथ ही साथ जो है 2 कैमरास नीचे आपको हॉरिजॉन्टली भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको ड्यूअल LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। दोनों ही फोन की फ्रंट डिज़ाइन की बात करो तो यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पे वन प्लस 9R में 2 कलर्स अवेलेबल है, एक है लेक ब्लू और दूसरा है कार्बन ब्लैक। दोस्तों, यहाँ पे वन प्लस 9R की स्टार्टिंग प्राइस है वो है 40,000 और यहाँ पे वन प्लस 8T की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 43,000। दोस्तों, अगर बात करूँ यहाँ पे दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 6.5 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलेगी, रिजोल्यूशन जो होगा 2400x1080 पिक्सल का होगा, जो कि 402 PPI पे बेस्ड है। एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का है दोनों ही फोन में 120Hz का। फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, sRGB का सपोर्ट है। यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी लगाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, तो रीडिंग मोड, नाइट मोड और वाइब्रेंट कलर आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करूँ चेंज के बारे में, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे 8T में जो लगा हुआ है प्रोसेसर वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर और 5G चिपसेट के साथ जो है आपको यह मिलता है। 4500mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, वॉप चार्ज 65 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं मैं बात करूँ वन प्लस 9R की, तो वहाँ पे आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, यानी कि दोनों ही प्रोसेसर में जो है चेंजेस जो है यहाँ पे किए गए हैं। 4500mAh की बैटरी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी वन प्लस 9R में। इसके अलावा दोस्तों, मैं बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो सिमिलर है। सिमिलर ना बोल के मैं ये बोलूँ कि दोनों ही फ़ोन में एक ही कैमरा लगाया तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों ही फोन का जो मेन कैमरा है वो है 48 MP का, जहाँ पे सोनी का IMX586 सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों OIS और EIS दोनों का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो होगा 16 MP का, जो कि 123° फील्ड ऑफ व्यू देगा। मैक्रो लेंस 5 MP का और मोनोक्रोम लेंस 2 MP का दोनों ही फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करो तो दोनों ही फोन में 4K वीडियो 30fps/60fps तक आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की, तो वहाँ पे सोनी का IMX471 सेंसर लगा है, जो कि 16 MP का है और ये 1080 pixels की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा 30fps/second पे। दोस्तों, ये था कंप्लीट कंपैरिजन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोनों ही फ़ोन की बैटरी के बारे में, तो 4500mAh की बैटरी दोनों ही फ़ोन में मिलती है आपको, 65W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी और हाँ, इन बॉक्स आपको जो है इसके चार्जर्स अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, ये था कंप्लीट कंपैरिजन। मैं आपको बता दूँ दोनों ही फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, छोटे मोटे जो है यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। और यहाँ पे वन प्लस 8T जो है वो 43,000 का है कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे कभी कभी डिस्काउंट आते रहते हैं, जिससे जो फ़ोन की प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 तक चली जाती है। तो मेरा मानना ये है कि दोनों ही फ़ोन सिमिलर है, तो आप जो है डेफिनेटली वन प्लस 9R के साथ जाइए, क्योंकि ये एक मॉडल अपग्रेड हो जाता है। यहाँ पे 9R जब आप इसको रीसेल करने चाहोगे तो 9R सुन के ही लोग जो है इसको लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल जो है हो जाएगा वन प्लस का। बाकी दोनों फोन सिमिलर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिएगा आपके थॉट्स को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज आपके लेके आते रहते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।